शीघ्र नष्ट कर देता है और इस लोक में अज्ञान रूप वृक्ष का सब और से शीघ्र नाश करने के लिए दीक्षा गुरु के समान है। हिमा, यह तुम्हारा जल प्रभा हमें अपार ऐश्वर्य प्रदान करे। आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पापनाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हर कर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु माँ गंगा के समक्ष माँ गंगा को साक्षी मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर हमारी साथ दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। हाय हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा की जल की पवित्रता एवं निर्मलता
बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। को साक्षी मानकर हम सभी ने जो संकल्प लिया, इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। घर की पौड़ी एवं घंटाघर क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु भक्तगण पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय किसी स्थान पर कूड़ेदान में डाले गंगा तट पर न छोड़े। जो श्रद्धालु भक्तगण गंगा जी में स्नान कर रहे हैं अथवा जल में खड़े हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन है शीघ्र स्नान करना बंद कर दे, शीघ्र गंगा जी से बाहर आ जाएं। माँ गंगा की आरती का समय हो गया है, इस समय जल में ना खड़े रहें। हस्ते जल माताय कृतस्य दिवसे पूजनाख्ये कर्मण श्री गंगा दिव्ये प्रियता भद्रमस्तु शिवं जास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवा संपदा आयुष्य वृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु मानसिक सद्कामना संसिद्धिरस्तु ॐ शक्राय नमः। कुछ ही समय पश्चात माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए माँ गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर Thank you.
आरती होगी गंगा मैया की। Yeah.
पर आए श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का श्री गंगा समारोह स्थल हरिद्वार आपका स्वागत व अभिनंदन करती है। तीर्थ मर्यादा हेतु आपसे निवेदन है कि सभी श्रद्धालु अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, जेब कतरों या उठाई गिरोह से सावधान रहें। भीड़ में अक्सर जेब कतरे घूमा करते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। सभी श्रद्धालु अपने बच्चों बुजुर्गों की जेब में अपना मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, कोई भी अनजान व्यक्ति जेब कतरा हुआ उठाई गया हो सकता है। सभी श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद और चंदन व्रत